अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हमारे पास ये एक 17 इंच की LED टीवी है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब भी हम इसको पावर देते हैं तो इसकी जो ये रेड लाइट है ये बिलिंग करना शुरू कर देती है। कभी ये बिलिंग शुरू कर देती है, कभी ये स्टॉप कर देती है। अगर इसको ऑन किया जाए तो फिर ये कभी ऑन होकर थोड़ी देर बाद फिर बिलिंग करना शुरू कर देती है। तो अब हम इसको पावर दे रहे हैं तो ये आप देख सकते हैं, ये अब हमारी जो LED टीवी ये रेड लाइट बिलिंग कर रही है। तो अब हम इसको रिमोट पावर से ऑन करने की कोशिश करते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि ये ऑन नहीं हो रहे। तो अब ये स्टॉप कर गई है रेड लाइट को। तो अब हम इसको ऑन करने की कोशिश करते हैं तो ये आप देख सकते हैं, ये ऑन होकर फिर रेड लाइट की हालत में चली गई है। तो आज हमने इसका ये फॉल्ट क्लियर करना कि इस हमारे LED टीवी में क्या फॉल्ट है। मेरा नाम है मोहम्मद मुदसर अली खोखर और आप देख रहे हैं अमी टीवी। जिन दोस्तों ने अभी तक अमी टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल के बटन को दबा दें ताकि हर इस तरीके आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। LED को ओपन कर दिया है और जो हमारा सबसे पहला काम होता है वो हमने इसके वोल्टेज चेक करने होते हैं कि हमारी जो पावर सप्लाई क्या वो कार्ड को सही वोल्टेज दे रही है कि नहीं दे रही। तो हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं। ये जा रहा है हमारे LED टीवी कार्ड को, इसका ये पावर वोल्टेज मिल भी रहा है। तो ये आप देख सकते हैं इसके ये 12 वोल्टेज है। तो अब हम इसको ऑन करने की कोशिश करते हैं। जो हमारी LED रेड लाइट है वो स्टॉप कर रही गई है, ये आप देख सकते हैं। तो अब ऑन करके चेक करते हैं इसको, ये अब हमारी ऑन है। ये देख सकते हैं थोड़ी देर बाद फौरन इसके जो 12 वोल्टेज वो ड्रॉप होना शुरू हो गए हैं। तो अब हमने इसके जो 12 वोल्टेज वो हमारे ड्रॉप हो रहे हैं तो उसके लिए आपने ये जो इसमें 78012 है ये वाला, तो इसको अब हम चेंज करके देखते हैं। इसमें मैंने ये LM2596 लगा कर देखा है। ये जो 78012 होता है ये उससे ज़्यादा कई गुना अच्छा होता है, ये वोल्टेज और ड्राप अंपेयर नहीं होने देता। तो इसके लगाने के बावजूद भी इसके जो वोल्टेज है वो ड्राप होना शुरू हो गया था। तो इसमें जो आप फॉल्ट हमें इल्म हुआ है कि इसके जो 12 वोल्टेज हैं वो इसको मिल रहे हैं 20 वोल्टेज है। तो जब उनके ऊपर लोड पड़ता है तो उसके जो अंपेयर हैं वो ड्राप हो जाते हैं, जिसकी वजह से यह काम नहीं करता। तो अब हम इसमें 12 वोल्टेज के लिए अलग-अलग एक्स्ट्रा सप्लाई लगाएंगे और वो सप्लाई है हमारे पास ये वाली। तो अब हम इसको लगाते हैं। तो ये है इसका 220 वाला एरिया, इसको 220 दे देते हैं और यहाँ से हम 12 वोल्टेज इस कार्ड को दे देंगे। इस कार्ड को हमने 12 वोल्टेज देने हैं। तो 12 वोल्टेज के लिए हमारा ये वायर बन रही 12 वोल्टेज की। तो अब हमने इसको जो कैपेसिटर का पॉजिटिव है इसके ऊपर हम लगा देते हैं और अब हमने नेगेटिव लगाना है और ये हम इसको नेगेटिव दे रहे हैं। पॉजिटिव ये हमारी ऑलरेडी जा रही है और उसके बाद ये हमने इसको यहाँ से ग्राउंड दे दिया, जो नेगेटिव वोल्टेज है वो दे दिए। और आपने सिर्फ 12 कट ऑफ करने हैं, इसके 5 कट ऑफ नहीं करने। ये हमारी 5 वाली वायर थी, इसको हमने कोई कुछ भी नहीं किया। तो अब हमने सप्लाई को वोल्टेज देनी है। तो जहाँ से हमारी ये सप्लाई बन रही है 220 वोल्टेज जो इसको मिल रहे हैं तो इसको हमने वहाँ से ही लगा दिया। तो अब हम इसको पावर देंगे।
तो ये आप देख सकते हैं इस एलईडी टीवी ने आप रेड लाइट बिलिंग नहीं की और अब हम इसको ऑन कर रहे हैं। ऑन होने के बाद भी इसने अब दोबारा ऑफ नहीं हुई, तो अब हमारी एलईडी मुकम्मल ऑन हो चुकी है। अब इसका जो फॉल्ट है वो क्लियर हो चुके हैं और अब हम इसके ऊपर पैनल लगाएंगे। पैनल भी लगा दिया और अब हम इसके ऊपर इसको कड़ा लगाते हैं। तो पावर मैंने दे दिया और तो ये आप देख सकते हैं एलईडी हमारी बिल्कुल मुकम्मल सही ऑन हो चुकी है। तो आज की थी हमारी ये वाली वीडियो, अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।